वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। जैसा कि मैंने आप सबको पिछले थर्सडे के ब्लॉग में बताया था कि हम कबीर दास जी के दोहों से हटकर इस बार कुछ और करेंगे, तो अब से थोड़े दिनों तक मैं आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाऊंगी। तो आज की कहानी एक ब्राह्मण के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि आखिर उस ब्राह्मण ने ऐसा क्या किया जिससे हमें शिक्षा मिल सकती है। कहानी का नाम है एक ब्राह्मण का सपना। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था, उसको भिक्षा में सत्तू मिला था। आप सबको पता है ना सत्तू क्या होता है, वही जो रोस्टेड चने के उससे पाउडर बनता है, जिसको गर्मियों में ड्रिंक बना के पीते भी हैं, वही वाला सत्तू इसको मिला था। तो इन ब्राह्मण जी ने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा खाया और जो बचा उसको एक मटके में घर में ले आके मटके में डाला और उसको टांग दिया हुक में, जैसे हम कपड़े टांगते हैं वैसे उन्होंने मटकी टांग दी। वहीं मटकी के पास वो अपना बिस्तरा लगा के सो गया। अब सोते सोते उन्होंने बहुत अजीबोगरीब सपने देखे। अब सुनिए उसने क्या देखा। उन्होंने देखा कि जब गांव में, जब इस शहर में अकाल पड़ेगा, तब वो इस सत्तू को बेचेगा और उस समय इस सत्तू का दाम होगा 100 रुपये के आसपास। अब पुराने ज़माने में 100 रुपये तो बहुत होते थे, तो उसने सोचा कि इस 100 रुपये से मैं बकरियां खरीदूंगा, उन बकरियों को मैं बेचकर गाय खरीदूंगा, उन गाय को भी मैं बेचकर भैंस और घोड़े खरीदूँगा, और जब घोड़े के अच्छे दाम तो मिल ही जाएंगे, आखिर घोड़े तो घोड़े, तो जब घोड़े को वो बेचेगा अच्छे दाम में, तब वो सोना खरीदेगा, और जब सोने का भाव ऊपर जाएगा तो वो सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीदेगा। इस बड़ी से घर को देखकर वो सोचता है कि कोई ना कोई लड़की तो मुझसे शादी कर ही लेगी। तो वो इसके आगे भी कहानियाँ सोचता है, वो सपने में देखता है कि अब जब कोई लड़की मुझसे शादी कर लेगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बच्चों को मैं दूर से खेलता हुआ देखूंगा, और हाँ उसने बच्चे का नाम भी मंगल सोच रखा था, तो वो दूर से देखेगा कि अरे वाह बड़ा अच्छा खेल रहा है बच्चा। वही बच्चा जब इसको परेशान करेगा तो उसने सोचा कि मैं अपनी बीवी को डांट मारूँगा, और यदि वो किसी काम में व्यस्त होगी और उसकी बात नहीं सुनेगी तो वो क्या करेगा। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करेगी कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी, अगर काम में बिज़ी होगी, तो वो उसे पीछे से लात मारेगा। अब सोचने की बात यह है, उसने सपने में तो लात मारी, साथ ही साथ उसके पास जो मटकी थी उसने हकीकत में भी उसमें एक जोर से लात मारी और सारा सत्तू टूट के, मटकी टूटी और सत्तू नीचे धराम। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभी नहीं बनना चाहिए, और आपको केवल सपने देखने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे तो वो आपको चीज़ कभी हासिल ही नहीं होगी, क्योंकि आपको उस रास्ते में बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी है। इसी के साथ मैं जब ये कहानी पढ़ रही थी तो मैं ऐसे ही डिस्कस कर रही थी, तो उसमें मुझे लगा कि पहले तो इस कहानी का मोरल हो सकता है कि कभी भी अपनी पत्नी से पंगे ना लें, ठीक है, और ना ही उसके ऊपर हाथ वाथ उठाने का कोई प्लान बनाए, वरना आपका सत्तू भी मटकी के जैसे नीचे धराम हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। एक और आवश्यक सूचना, आप सोच रहे होंगे कि ये जो मेरी इंडियन इंग्लिश वाली इंडियन लिटरेचर था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो ये कहानी हिंदी में ही क्यों। बात ऐसी है कि एक थर्सडे को हम हिंदी डालेंगे, दूसरे थर्सडे को हम इंग्लिश डालेंगे, तो हिंदी वाले अभी देखें और इंग्लिश वाले वेट फॉर नेक्स्ट थर्सडे। और आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको दोनों वीडियो देखनी चाहिए। इससे क्या होगी कि आप जो छोटे मोटे प्याले प्याले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो उन्हें इंग्लिश आ जाएगी, और आप जो मॉरल्स देखने के लिए कर रहे हो उनके लिए भी अच्छा है। धन्यवाद।